हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी तक बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका फुल एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, कौन से ईयर में। तो अभी 1995 से 2012 तक के बीच में टोटल 4 बार एग्ज़ाम हुए हैं ना, 95 में हुए हैं, फिर 2001 में हुए हैं, फिर 6 में हुए हैं और उसके बाद 2012 में हुए हैं टोटल ये बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम। तो उसमें हम जानेंगे कि अभी तक कितना जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी रहेगा क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के में कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या पूरे डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये रहे हमारे जो है कि अभी तक टोटल प्रीवियस ईयर में जो है जनरल इंजीनियरिंग के कुछ पे देखिए 2012 के हैं, 2012 में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, 2012 के हैं, फिर 2006 के हैं, फिर 1 के हैं, 95 के हैं और ये टोटल इधर है लिखा हुआ। तो यही है और उसमें जो है हम लोग देख रहे हैं जैसा कि सर्वेइंग में जनरल इंजीनियरिंग में ये सब पेपर आते हैं, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग में ये सर्वेइंग है, सॉम है, सीपीएम पार्ट है, फ्लूड मैकेनिक्स है, बिल्डिंग मटेरियल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सब पेपर हैं इसके जनरल इंजीनियरिंग के, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग के ये सब पेपर हैं। तो और सर्वेइंग में ऐसा हम लोग देखें एनालिसिस किए हैं, उसमें पता चला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जनरल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग से एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, सॉम से उसमें नहीं पूछा गया था, सीपीएम पार्ट में एक से एक क्वेश्चन, एफएम से एक क्वेश्चन, फिर बिल्डिंग मटेरियल से उसमें नहीं पूछा गया था, एनवायरनमेंट से 2 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिकल से 1 क्वेश्चन है। इस टोटल उसमें 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से हमें 5 करने थे। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट को लगभग इन्होंने टच किया। उसी तरह 2006 में देख लीजिए, 2006 में सब सर्वेइंग से एक भी क्वेश्चन नहीं था और सॉम से एकदम देखिए यहाँ तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब में एक एक क्वेश्चन पूछा है, किसी को छोड़ा नहीं है, सबसे क्वेश्चन पूछा है। थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल से 2 क्वेश्चन है। तो और इसमें देख लीजिए 2001 में सर्वेइंग से 1, सॉम से 1, सीपीएम पट से 1, फिर एफएम और बिल्डिंग मटेरियल नहीं पूछा है, फिर एनवायरनमेंट, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स से 2 और बेसिक इलेक्ट्रिकल से 1 क्वेश्चन। तो और 1995 में जो है 1 क्वेश्चन ये सबसे पूछे हैं, थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे हैं और इससे भी इलेक्ट्रिकल से 1 क्वेश्चन पूछे हैं। तो हर साल 10-10 क्वेश्चन, 2001 में सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें से 5 करना था, बाकी हर बार 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से 5 हमें करने रहेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि सर्वेइंग में अभी तक 4 साल में 2 ही क्वेश्चन आया है, सॉम में 3 क्वेश्चन आया है, सीपीएम पट से 4, ये सब देख सकते हैं, फ्लूड मैकेनिक से 3 क्वेश्चन, बिल्डिंग मटेरियल से 2 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 5, इंजीनियरिंग मैकेनिक से 5, थर्मोडायनामिक से 9 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, थर्मोडायनामिक से 9 और बिल्डिंग मटेरियल बेसिक इलेक्ट्रिकल से 5 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो इम्पोर्टेंट है कम टाइम में जो तैयारी कर सकते हैं उसमें एक सीपीएम पार्ट आपका हो गया, इसको तैयार पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, हर साल 1 क्वेश्चन आना ज़रूरी है, आता ही है, इस बार भी पूछेगा। और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिकल भी ज़रूरी है, ये सब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 पेपर आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये मस्ट है। अगर ये 4 पेपर आप पढ़ के जा रहे हैं तो 5 क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। इसमें देखिए ये जो 4 पेपर है उसमें हर साल 5.5 पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए 1-1 भी क्वेश्चन आया तो आप सब कर सकते हैं, 1-1 क्वेश्चन सबका कर सकते हैं और उसी तरह से बाकी और भी पढ़ेंगे ही आप लोग, तो उससे आप बाकी 1 क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, 5 ही क्वेश्चन करना होता है।
तो ये जनरल इंजीनियरिंग का हो गया। अब उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग का पेपर वन जो है उसमें देखिए, उसमें आता है सॉयल मैकेनिक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस RCC, SOM का एक बार पूछा है 2012 में एक क्वेश्चन, उसमें भी पेपर वन में भी सब्जेक्टिव में, और स्टील स्ट्रक्चर है और प्लास्टिक एनालिसिस है। सॉयल मैकेनिक्स में दो क्वेश्चन पूरा फुल और एक क्वेश्चन का एक पार्ट जो है, तीन पार्ट था उसमें और उसका एक पार्ट पूछा था, तो 2 और 1/3 हो गया। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में 2012 में जो है 1/3 ही पूछा गया था। वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों ABC ए हो गया एक पार्ट, और बी हो गया एक पार्ट, और सी हो गया एक पार्ट। तो ये सब तीनों पूछा गया था तीनों सब्जेक्ट से, और बाकी ये दो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन एक अलग था। और सॉम से एक एक क्वेश्चन, सॉम से फिर स्टील स्ट्रक्चर से और प्लास्टिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरीके से 2006 में ये सब है, ये सब इतना पूछा गया था। फिर इस तरह 2001 का ही एनालिसिस है, 1995 का ही एनालिसिस है। इस तरह से देख सकते हैं कि सॉयल मैकेनिक्स में 9 क्वेश्चन और 1+1/3 क्वेश्चन, और स्ट्रक्चर में 2+1/3, RCC में 9+1/3, और सॉम से सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। सॉम तो उधर पढ़ना ही है जनरल इंजीनियरिंग में, तो आप पढ़ेंगे स्टील से 2.5 क्वेश्चन और प्लास्टिक से 2.5 क्वेश्चन। अगर स्टील और प्लास्टिक ये दोनों अगर हम लोग मिला देते हैं तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से यहाँ इम्पोर्टेंट है एक सॉयल मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक RCC इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों स्टील और प्लास्टिक ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। यानी कि टोटल यहाँ 3 पेपर हो गए, स्टील और प्लास्टिक हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ 3 पेपर हो गए और उधर 4 पेपर, ये 7 पेपर अभी तक हम लोग एनालिसिस से बोल सकते हैं कि ये 7 पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो और इसी तरह से हम लोग देखते हैं पेपर 2 में, पेपर 2 का जो एनालिसिस है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 का कन्वेंशनल का, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें OCF है, ओपन चैनल फ्लो, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, इरीगेशन है और हाइड्रोलॉजी है, ये 5 पेपर है इसमें, इसके अंदर जो आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, 3 क्वेश्चन 2012 में, 3 क्वेश्चन और 2006 में एक क्वेश्चन, 1 में 3 क्वेश्चन और 1995 में 1 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। इसी तरह से आप ओपन चैनल फ्लो में देख लीजिए, ओपन चैनल फ्लो में 1 और 1/3 क्वेश्चन और इसे 2-2 क्वेश्चन ये दोनों बार पूछे गए हैं। इन्वायरमेंट से पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन 2012 में, इरीगेशन से 1 क्वेश्चन का 2/3 पार्ट, हाइड्रोलॉजी से 1 क्वेश्चन पूरा का पूरा। उसी तरह से हाइड्रोलॉजी से 2006 में देखिए 2+1/2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 क्वेश्चन का 4 पार्ट था, उसका 2 पार्ट जो है हाइड्रोलॉजी का था। तो इस तरह से देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2001 में जो है 3 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी का है, इरीगेशन का 2 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का 4 क्वेश्चन है, और OCF का ओपन चैनल फ्लो का 2 क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन का 3 क्वेश्चन है। इस तरह से देख सकते हैं, और ये सब है 1995 का ये एनालिसिस है, 2.5 इसका है इन्वायरमेंट और इरीगेशन का। इस तरह से टोटल देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक 4 साल में, और OCF से ओपन चैनल फ्लो छोटा सा टॉपिक है, वो उसको पढ़ना जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसीलिए इसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, छोटा सा टॉपिक है। एनवायरमेंट पढ़ना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जनरल इंजीनियरिंग में भी इससे पूछते हैं और इसमें भी पूछते हैं, इसमें अभी तक 11, 11.5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी में भी 8.5 क्वेश्चन अभी तक आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है, OCF भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब है, और इरीगेशन भी ज़रूरी है। यानी कि इसमें जो है 5 का 5 पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब, ये यानी कि सबका सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इधर 5 पेपर हो गए हैं, इधर 4 पेपर, 3 पेपर हो गए, 5 3 8 और 4 इधर 12, 12 पेपर कम से कम आपको पूर्ण रूप से पढ़ने होंगे, चाहे जो हो जाए आपको पढ़ना ही होगा, तभी आपका जो है सेफ फील करेंगे आप और सही मार्क आ पाएगा। इसका जो है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े
तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया, किसका वेटेज, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किसका कितना वेटेज है, किसको ज़्यादा जरूरी है पढ़ना, किसको कम, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये एनालिसिस किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग, आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये पता चल सके और वो उनके प्रिपरेशन में हेल्प थोड़ा भी अगर हेल्प मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे और भी वीडियो डालें और आप के पास ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे, आप वीडियो देखें। और ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।